स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल रोशन पंत में। और दोस्तों आज की रेसिपी हम लेके आए हैं चटनी, और दोस्तों कच्चे आम की चटनी है यानी कि कैरी। तो दोस्तों काफ़ी खट्टी और मीठी होती है और काफ़ी टेस्टी होती है, रोज की चटनी से थोड़ा डिफरेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले हमने आम छील लिए हैं, इस तरीके से हमने कच्चे आम को छील के अलग बाउल में निकाल लिया है। और अब बारी आती है दोस्तों इसको स्लाइसेस बनाने की, इसकी लंबे लंबे हमने स्लाइसेस बनाने हैं इसकी चटनी के लिए इस तरीके से। तो जल्दी से इनके स्लाइसेस बना लेते हैं, गुठलियों को अलग कर लेंगे उससे। हमने सारे स्लाइसेस एक ही साइज़ के बनाए हैं, इक्वल साइज़ के बने, ताकि ईजिली जल्दी से पक जाए। और ऑलमोस्ट हमारे आम हमने काट चुके हैं इस तरीके से। काफ़ी अच्छी चटनी होती है दोस्तों, उसको पहाड़ी में आमखड़ भी कहते हैं, आम टॉक भी कहते हैं, और काफ़ी दिन चल जाती है दोस्तों। आराम से इसको प्रिजर्व कर सकते हैं 6 से 7 दिनों के लिए। दोस्तों अब आती है बारी इसको बनाने की। तो दोस्तों कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, और सरसों का तेल का अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम तड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं सौंफ, जीरा, मेथी और राई के दानों से। तो इसका तड़का बना लिया हमने, इसे अच्छे से भुनने देंगे। दोस्तों तड़के के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 5 से 6 लाल मिर्च सूखी हुई, और इसको अच्छे से चला लेते हैं एक बार और थोड़ा भुनने देंगे इसे। हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है, अब बारी आती है इसमें आम के जो कैरी है हमारी, इसको डालने की। हमने स्लाइसेस इस तरीके से बनाए थे, और इसको तड़के में ऐड कर देते हैं, और साथ ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। दोस्तों 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से चला लेते हैं एक बार, जिससे इसमें तड़का इसमें मिक्स हो जाए कैरी में। तो दोस्तों इसमें हम यूज़ करेंगे नमक, आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर से, थोड़ा फ्लेवर बढ़ा देगा वो। नमक हमने स्वाद अनुसार इसमें डाल दिया है, अब बारी आती है इसमें हल्दी पाउडर डालने की। और साथ में हम डालेंगे इसमें कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम इसमें हम डालेंगे गुड़, जो हमने क्रश किया हुआ है। जी हाँ, गुड़ से ही बनती है चटनी, गुड़ इसका स्वाद दोगुना कर देता है। तो इसमें छोटे छोटे पीस हमने कर लिए गुड़ के, वो डाल देते हैं और इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि गुड़ हमने डाल दिया है, गुड़ अभी थोड़ी देर में जब पकने के बाद इसमें पानी छोड़ेगा, तो आराम से आपके कैरी पक जाएगी। पानी का बिल्कुल यूज़ ना करें इस रेसिपी में, और इसे आप 1 हफ्ते मिनिमम स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी टेस्टी होती है और ईजिली चल जाती है 1 हफ्ता। अब इसे चला के हमने अब ढकने के लिए छोड़ देते हैं, इसको ढक के पकेगा कुछ देर, 5 से 7 मिनट तक इसको पकाते हैं। तो दोस्तों 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए आप दोस्तों, गुड़ ने पानी छोड़ दिया है, आम में बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अच्छी ग्रेवी हो चुकी है इसमें, अब जो ग्रेवी से पकाएगी अच्छे से। अब दोस्तों ऑप्शनल है, आप इसमें काजू, किशमिश, बादाम यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ। कुछ और ड्राई फ्रूट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आम की चटनी हमारी बन चुकी है ऑलमोस्ट, अब इसे हम करते हैं सर्व। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, कैरी आराम से पक चुकी है, आम के छोटे छोटे पीस किए थे हमने, बिल्कुल पक चुके हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं दिखने में भी काफ़ी स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छी सुगंध है इसकी, और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को घर पे, और बनाएं इस लजीज चटनी को घर पे आराम से, आम कच्चे आमों से, और 1 हफ्ते तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।